एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सपायरी सिस्टम पढ़ेंगे हम इस वीडियो में कि क्या क्या डिसऑर्डर्स एक्सपायरी सिस्टम में। ठीक है, इससे पहले हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। चलो ये वीडियो देखते हैं अब क्या है। तो कि अगर किडनी का माल फंक्शनिंग हो रही है, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो अलग अलग डिसीजेज हो सकते हैं किडनी रिलेटेड। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो, अगर एक्यूमुलेशन हो सकता है यूरिया का ब्लड में, अगर यूरिया का ब्लड में एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब ब्लड प्यूरीफाई नहीं हुआ और ब्लड में ही यूरिया का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं यूरेमिया। ठीक है, जो हार्मफुल है, ठीक है, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तब क्या होगा, यूरेमिया होगा। ठीक है, उसकी वजह से किडनी फेलियर भी होता है। अब देखो कुछ इसमें क्या होता है, यूरिया को रिमूव कर देते हैं ब्लड से डायरेक्टली, अगर किडनी रिमूव नहीं कर सकती है तो उससे डायलिसिस बोलते हैं हम, उसको हेमोडायलिसिस। हेमो मतलब ब्लड का डायलिसिस हो रहा है। ठीक है, तब ये डायलिसिस होता कैसे, ठीक है, कब हो रहा है ये देखो, फिर से देखो, अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपर ब्लड प्योरीफाई नहीं कर रही है, ब्लड में यूरिया प्रेजेंट हो रहा है और यूरिया एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तब ये हेमोडायलिसिस होगा। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड को हम प्योरीफाई करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, ब्लड को बॉडी में से निकाल कर आर्टिफिशियली प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तब ब्लड को ड्रेन कर रहे हैं बॉडी में से, कहाँ से निकालते हैं, आर्टरीज में से निकालते हैं। ठीक है, ब्लड जब हम ऐसे कोई भी वेन में से नहीं निकाल सकते, ब्लड को हम आर्टरीज में से निकाल रहे हैं, डायलिसिंग मशीन डायलिसिंग यूनिट में ऐड कर रहे हैं और उसमें एंटी कोगुलेंट हेपेरिन भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ब्लड कोएगुलेट ना हो। अब ये जो यूनिट है डायलिसिंग यूनिट, इसमें ना सेलोफेन ट्यूब है कॉइल्ड, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइल्ड। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में डायलिसिंग फ्लूड है जिसकी वजह से यूरिया रिमूव हो जाता है। ठीक है, जो पोरस मेम्ब्रेन होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन की, मतलब जो होल्स वाली मेम्ब्रेन होती है, जो वो अलाउ करती है थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूरिया को और वेस्ट मटेरियल्स को, वो रिमूव हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substance freely move out, therefore clearing the blood. ठीक है, dialysing fluid में तो nitrogenous waste present नहीं होता है, तो जो nitrogenous waste होता है वो बाहर आ जाता है dialysing fluid में और clearly blood पूरा purify हो जाता है। ठीक है, अब जो blood purify हो गया है वो वापस से body में डालते हैं, निकाले किससे थे, आर्टरी से। अब डालेंगे किस में, वेंस में। ठीक है, हमने निकालते टाइम उसमें हेपेरिन ऐड किए थे क्योंकि ब्लड कोएगुलेट होता है, लेकिन वापस डालते टाइम उसमें एंटी हेपेरिन ऐड करेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी हेपेरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे यूरेमिक पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इट एक्ट इज़ अ बून फॉर थाउजेंड, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये यूरेमिक पेशेंट्स की। ठीक है, ये पहला हमने देख लिया यूरेमिया, जिसमें हमने डायलिसिस पढ़ा है। ठीक है, अब अगर किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली, अब कुछ काम की नहीं है किडनी, तो हमको किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है किसमें, रीनल फेलियर या किडनी फेलियर में। ठीक है, जिसमें फंक्शनिंग नहीं होती किडनी की प्रॉपरली, तो हमको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ठीक है, एक डोनर जो किडनी देगा, जो किडनी देने वाला है उसको डोनर बोलेंगे। प्रेफर क्या करते हैं कि क्लोज रिलेटिव रहे, ठीक है, ताकि चांस ना हो किडनी रिजेक्शन के। ठीक है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम दूसरों के सेल्स को या दूसरों के ऑर्गन्स को नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगर वो क्लोज मैच हो रहे हैं या कोई क्लोज रिलेटिव की किडनी है तो फिर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो मॉडल क्लिनिकल प्रोसीजर्स की वजह से ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन का रेट हाई हो गया है, हम प्रॉपरली किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, किडनी फेलियर के टाइम पे, ये सेकेंड डिसीज हो गया। यूरेमिया में डायलिसिस कर रहे जबकि किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही, यहाँ पे किडनी का एक किडनी फेलियर हो गया, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही करते हैं। इसके बाद क्या है, देखो रीनल कैल्क्युलाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टोन आ गया है किडनी में, फॉर्म हो गया है, या फिर एक इनसॉल्युबल मास का क्रिस्टलाइज सॉल्ट। ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं है, स्टोन टाइप ही है। ठीक है, स्टोन या इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज सॉल्ट, कौन से सॉल्ट, एग्जाम्पल क्या लिखा है, एग्जाम्पल में ऑक्सैलेट। ठीक है, जो किडनी में बन गए हैं, जिसकी वजह से वो किडनी स्टोन बोलते हैं इसको नॉर्मली, और ऑपरेशन करके उस किडनी को निकालना पड़ता है, नेफ्रॉन के अंदर भी आ सकते हैं वो। ठीक है, तो इनसॉल्युबल मास बनता है, स्टोन जैसे दिखता है। इसके बाद आ रहा है ग्लोमेरुला नेफ्रिटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुला याद है ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो प्रॉपर ब्लड का प्योरीफिकेशन करता है। ठीक है, तो ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको डिसीज़ को बोलते हैं ग्लोमेरुला नेफ्रिटिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार इम्पॉर्टेंट डिसीजेस पढ़ लिए हैं 5 मिनट में।
ठीक है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है सारे डिसऑर्डर्स के साथ। एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।